वक्त हो गया है इस खास खबर का। कहानी एक ऐसी है जिसे देखकर आपको लगेगा कि इसमें जरूर कुछ अच्छा देखने मिलेगा। ये कहानी है दुआ हैदर और गजल की। इस सीरियल का नाम है रब से है दुआ, जो जल्द ही आपको जी टीवी पर नजर आएगा। ये नज़ारा है सीरियल के प्रोमो शूट का, जहां पर पहली पत्नी के होते हुए भी उसका शौहर दूसरा निकाह करना चाहता है। अब भला किस पत्नी को ये मंजूर होगा कि उसका पति दूसरा निकाह करे। वहीं सीरियल का हीरो हैदर है, जिसे गजल से प्यार हो जाता है। अब गजल एक बिंदास लड़की है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई अगर किसी रिश्ते में बंधा है तो उसे प्यार नहीं हो सकता। उसके लिए ही किसी और के शौहर से निकाह करना है कोई पाप नहीं है। सो मेरे कैरेक्टर का नाम है गजल, और ये जो लड़की है ना बहुत ही बिंदास है, और इसका ना लाइफ में बस एक ही असूल है कि अपने टर्म्स पे लाइफ जीना। वो ना ये बिलीव करती है कि जब प्यार होता है ना तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती। हैदर की बात करें, जो मेरा किरदार है हैदर, फिर कुछ ऐसे मुकाम आते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जहाँ पे उसे रियलाइज होने लगता है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी कभी खुद के लिए जी नहीं। सो मेरे किरदार का नाम है दुआ, और दुआ हैदर से शादी कर चुकी हैं, इनकी शादी को कुछ वक्त हो चुका है। हैदर को किसी और से प्यार हो जाता है, और दुआ जो है वो एक परफेक्ट वाइफ है और एक अब पहली पत्नी के रहते ऐसा भला हो तो नहीं सकता है। इसीलिए दुआ एक गजल को निकाह के मायने समझा रही है। वो तकलीफ में है, उसका शौहर जो कभी उसका था अब किसी और का होने जा रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी ही है जो आपके दिल को छू सकती है। वैसे अगर बात करें मुस्लिम बैकग्राउंड शो की, तो ऐसे शोज हम पहले भी देख चुके हैं। इस शो में ये देखना होगा कि इस कहानी को नए तरीके से दर्शकों के सामने कैसे परोसा जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।